हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आपका स्वागत है मेरे किचन में। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बारिश के सीज़न में मिलने वाली सबसे टेस्टी चीज़ की करी। जी हाँ, आज हम देखेंगे क्रैब करी बनाना। मुझे पता है क्रैब दिखने में थोड़े से अजीब होते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। अगर आप प्रॉन्स खाते हो तो आप क्रैब्स भी खा सकते हो, क्योंकि क्रैब मीट प्रॉन्स से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता होता है और क्रैब्स खाने के बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं। आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हो। आई होप आज का ये कुकिंग ब्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो फिर चलिए आज के कुकिंग ब्लॉग को शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 1 किलो क्रैब लिए हैं। इन्हें अच्छे से साफ किया है मैंने, 4-5 बार इसे अच्छे से पानी से धो लिया है। उसके बाद ये जो है ये क्रैब का फैट है। जब हम क्रैब को साफ करते हैं तब उसमें से मैंने इसे निकाल लिया है। इसे हमें सीधा ऑयल में फ्राई करना है। उसके बाद इसके मसाले दिखा देती हूँ। बहुत सिंपल मसाले हैं। ये है 2 इंच सूखा नारियल, ये है 2 प्याज, ये मैंने रफली चॉप किए हैं, ये है आधा टोमेटो, थोड़ा सा हरा धनिया, 7-8 लहसुन की कलियाँ और 1 इंच अदरक। इस मसाले को हमें कच्चा ही ग्राइंड करना है, और उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस दिखाती हूँ। मसाले मैंने पीस लिए हैं। चलिए शुरू करते हैं क्रैब करी बनाना। कढ़ाई गर्म हो चुकी है। सबसे पहले मैं इसमें 3-4 चम्मच ऑयल डालूंगी। तेल आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हो। तेल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें 1 चम्मच हल्दी डालूंगी और 1/2 चम्मच हींग डालूंगी। इसके बाद ये जो क्रैब का फैट है वो मैं इसमें डाल दूंगी। गैस की फ्लेम मैंने स्लो कर दी है। अब मैं इसमें 3 चम्मच मालवनी मसाला डालूंगी, जो तीखा है और इसमें गरम मसाले भी है। ये होममेड मालवनी मसाला है। इसकी जगह पर आप जो रेगुलर मसाला यूज करते हैं वो भी आप डाल सकते हो। और अब ये जो हमने मसाले पीसे थे वो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। अब इसको हम 3-4 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम मैंने हाई कर दी है और 2-3 मिनट में इसे अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। अभी मैं इसमें मीट मसाला ऐड कर देती हूँ। ये लजीज का मीट मसाला है। ये मैंने 1 चम्मच डाला। आप इसकी जगह पर कोई भी मटन मसाला यूज कर सकते हैं। अभी मैंने इसमें 1 चम्मच गरम मसाला भी ऐड कर दिया है। अब इसे हम 2 मिनट फ्राई कर लेंगे। जब ये मसाला तेल छोड़ देगा तब हमारा मसाला रेडी है। ये देखिए मसाले का पूरा पानी सूख चुका है, और साइड से आप देख सकते हो ये मसाले ने तेल भी छोड़ दिया है। इसका मतलब मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें ये क्रैब ऐड कर देती हूँ। ये करी बहुत झटपट बन जाती है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। अब हमें इन क्रैब को मसालों में अच्छे से कोट कर लेना है 2-3 मिनट। इसमें 1 चम्मच नमक डाल देती हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। दो मिनट मैंने इसे फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी। ये मिक्सर जार मैंने धो लिया है और वही पानी मैं इसमें डाल दूंगी।
जितनी पतली करी चाहिए उतना आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें 2 ग्लास पानी ऐड किया है। अब मैं गैस की फ्लेम हाई कर दूंगी और इसे उबलने दूंगी। अब देखिए करी उबलने लगी है। अब मैं गैस की फ्लेम स्लो टू मीडियम कर देती हूँ और इसे ढक देती हूँ और इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे। क्रैब को पकने के लिए इतना समय काफी है। देखिए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और हमारी क्रैब करी रेडी है। ये क्रैब करी बहुत फ्लेवरफुल होती है। इसके आगे मटन करी, चिकन करी कुछ भी नहीं होते, इतनी फ्लेवरफुल ये करी होती है। तो अब ये रेडी है। मैं गैस बंद कर देती हूँ और हम इसकी प्लेटिंग कर देते हैं। इसे मैं 10 मिनट ऐसे ही छोड़ दूंगी, रेस्ट करने दूंगी और बाद में मैं आपको इसकी सर्विंग करके दिखाती हूँ। मसाले अच्छे से फ्राई करने की वजह से इसे बहुत अच्छी तर्री आई है। ये थोड़ी सी ठंडी हो जाने के बाद और थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। इस तरह से अभी तक आपने कभी क्रैब करी ट्राई नहीं की है तो एक बार इसे जरूर ट्राई करना।